राजस्थान के बारा शाहबाद भाजपा प्रदेशक उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों से प्रेस वार्ता की, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सोमवार को शाहबाद दौरे पर आए हेमराज मीणा ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है जहाँ राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि मोदी के कार्यकाल में 45 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए हैं। प्रत्येक परिवार को उज्ज्वला योजना से जोड़ने का कार्य भाजपा ने किया है। आज भारत के पास 175 प्रकार के सैन्य उपकरण भी, जिनका भारत निर्यात भी कर रहा है। भारत सुरक्षा की दृष्टिकोण से मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है। मीणा ने बताया कि देश की चिकित्सा भी आज अच्छी स्थिति में है। भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने एम्स 7 से बढ़कर 22 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज 224 से बढ़कर 598 हो गए हैं। महिलाओं को रसोई में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 9 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया है। आज भारत विश्व में अलग पहचान रखता है। आज़ादी हमको 75 साल पहले मिली थी, अब उसको लोगों को याद दिलाना और एक तरह से हम उस पर उस उत्सव के लिए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। राष्ट्रभक्ति की भावना सब लोगों में पहुँचे और जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके चित्र लगे हुए हैं, जिनके स्टेचू बने हैं, उनकी साफ सफाई का काम हमने ये 1 तारीख से 15 अगस्त तक ये काम शुरू किया और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने विचार गोष्ठी भी हमने रखी है। जिला हेडक्वार्टर में विचार गोष्ठी करेंगे और एक बड़ी सभा भी हम सब जगह करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।